हेलो गाइस, मैं अभिषेक एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तो जैसा कि आप लोग वीडियो का टाइटल देख चुके हैं कि आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कैम्प्टेशिया में हम लोग कैसे बिहेवियर्स का यूज़ करें। हम लोग बेसिकली बिहेवियर्स का यूज़ करते हैं एनिमेशन देने के लिए। ये बिहेवियर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने वर्ड्स के ऊपर, अपनी मीडिया फाइल्स के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग उनकी ड्यूरेशन उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज, वेलकम टू माई चैनल ए बी प्लानेट, और बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेसिकली बिहेवियर्स का यूज़ होता है कि हम लोग बिहेवियर्स यूज़ करते हैं इफ़ेक्ट्स देने के लिए। इफ़ेक्ट्स हम लोग ये किन किन चीज़ों पे दे सकते हैं, ये बिहेवियर्स को यूज़ करके हम लोग इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं हमारी इमेज फाइल के ऊपर, चाहे वो PNG हो, चाहे वो JPG हो, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट की फाइल हो, तो उस पर हम लोग ये बिहेवियर्स अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, हम लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं हमारी वीडियो क्लिप के ऊपर। हमारे किसी भी तरह की वीडियो क्लिप है, कोई भी फॉर्मेट की वीडियो क्लिप है, तो उसके ऊपर हम लोग ये बिहेवियर्स अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में हम लोग ये बिहेवियर्स अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर। इनका मेन जो मोटो होता है वो होता है टेक्स्ट को इफेक्ट देना, पर लेकिन साथ में इसको हम लोग वीडियो और हमारी इमेज फाइल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बिहेवियर्स कभी भी ऑडियो क्लिप के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बिहेवियर्स हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे अपनी इमेज फाइल के ऊपर। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इनको अप्लाई करेंगे हमारी वीडियो फाइल के ऊपर। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग इनको अप्लाई करेंगे हमारे टेक्स्ट के ऊपर। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इनको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग कैसे इनको अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैंने एक इमेज फाइल और एक वीडियो फाइल को इम्पोर्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग इमेज फाइल के ऊपर बिहेवियर कैसे लगाए। तो बिहेवियर्स को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इमेज फाइल को ड्रैग करके हमारे टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप करेंगे। टाइमलाइन पर ड्रॉप करने के बाद में हम लोग यहाँ से हम लोग जाएंगे बिहेवियर्स में। बिहेवियर्स आपको यहाँ पे इस कॉलम में ट्रांजिशन के नीचे आपको बिहेवियर्स मिलेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 13 काइंड्स के आपको बिहेवियर्स देखने को मिलेंगे। ड्रिफ्टिंग, एक्सप्लोड, फेड, फ्लाई इन, जंप एंड फॉल, पॉपअप, रिवील एंड सो। अब इनको यूज़ करने के लिए हम लोग सिंपली जो हमको बिहेवियर यूज़ करना है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके आप डायरेक्टली इसको प्रीव्यू स्क्रीन के ऊपर भी ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर अपनी इमेज फाइल के ऊपर ड्रॉप करें। ड्रॉप करने के बाद में आपको को एक नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इफेक्ट एडेड। तो अब हम इसे चला के देखते हैं कि ये इफेक्ट कैसा दिखता है। तो गाइज ये फेड का इफेक्ट है, तो फेड होके ये इन हुआ है और फेड होके ये आउट हुआ है। तो इस तरह से आप लोग इमेज के ऊपर इफेक्ट को दे सकते हैं। अब गाइज हम लोग दूसरे में देखते हैं कि कैसे हम लोग ये इफेक्ट वीडियो फाइल के ऊपर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग अपनी वीडियो फाइल को ड्रैग करके टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप करेंगे और अगेन बिहेवियर्स में जाएंगे और जो हमको बिहेवियर पसंद है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके और हम लोग यहाँ से हमारी जो वीडियो फाइल है उसके ऊपर ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ एडेड इफेक्ट। और यहाँ से अब हम इसको चला के देखेंगे कि ये कैसा लगता है। तो आपने स्टार्टिंग में देखा इफेक्ट हुआ, अब एंड में आपको पता चलेगा कि ये जब आउट होता है तो इफेक्ट कैसा होता है। तो गाइज कुछ इस तरह से आप लोग ये बिहेवियर्स का यूज कर सकते हैं अपनी इमेज फाइल के ऊपर प्लस अपनी वीडियो फाइल के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग ये बिहेवियर्स का यूज करेंगे टेक्स्ट के ऊपर। तो उसके पहले हम लोग एक टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ से लाके आप इस पे डबल क्लिक करके आप यहाँ पे अपने हिसाब से आपको जो भी आपको इसमें टेक्स्ट लिखना है आप वो यहाँ से टाइप कर सकते हैं। तो मैं ये टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा, इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ ऐसे ड्रैग करके।
आप ऐसे ड्रैग करके भी इसको रिसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रॉपर्टी में भी जाके इसको स्केल कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसका थोड़ा जो ड्यूरेशन है उसको मैं थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ, अराउंड 15 सेकंड के आसपास मैं इसके ड्यूरेशन को इंक्रीज करता हूँ। गाइज ये 15 सेकंड के आसपास मैंने इसके ड्यूरेशन को इंक्रीज किया है। अब हम लोग जाएंगे बिहेवियर्स में, और यहाँ से हम लोगों को जो भी बिहेवियर पसंद है हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं जंप एंड फॉल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ड्रैग करके हमारे टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉप करते हैं। अब एक बार इसको चला के देखते हैं कि ये इफेक्ट कैसा दिखता है। तो गाइस देखा कि आपने कि जंप एंड फॉल में जो पहले जो हमारे अल्फाबेट्स थे वो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप हुए, एंड देन मिडल के अंदर ये अभी जंपिंग का वर्क कर रहे हैं, और जैसे ही ये आउट हुए हैं तो ये सारे के सारे जो भी अल्फाबेट्स थे वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो गए हैं। अब गाइस हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इस इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग जाएंगे प्रॉपर्टी के अंदर। जब आप प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आप बिहेवियर्स का सिंबल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बिहेवियर्स के अंदर जो हमने क्लिप सेलेक्ट करी हुई है उस पर कौन सा बिहेवियर लगा हुआ है। तो इस पर जो बिहेवियर्स लगा हुआ है वो है जंप एंड फॉल का। ऐसे ही मैं वीडियो फाइल सेलेक्ट करता हूँ तो उस पर आप देखेंगे कि बिहेवियर्स जो लगा हुआ है वो है एक्सप्लोड का, और जो हमारा इमेज फाइल है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उस पर जो बिहेवियर्स लगा हुआ है वो है फेड का। तो ऐसे ही हम लोग जो टेक्स्ट वाली फाइल है उसको सिलेक्ट करते हैं, और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जंप एंड फॉल के नीचे आपको दिखने को मिलता है इन, मतलब कि जब टेक्स्ट अपेयर होगा तो उसमें किस तरह का इफेक्ट होगा, ड्यूरिंग किस तरह का इफेक्ट चलेगा, और जब वो टेक्स्ट खत्म होने वाला होगा और आउट होगा तो आउट में किस तरह का इफेक्ट रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो इन का इफेक्ट है उसको चेंज करते हैं। तो जैसे स्टाइल के अंदर आपने देखा कि ये टेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ बाउंस हुआ, तो अब हम लोग इसको ड्रिफ्टिंग पे करेंगे ताकि ये ड्रिफ्ट हो, और कहाँ से ड्रिफ्ट हो, लेफ्ट टू राइट, और इसका मूवमेंट कैसा हो, स्मूथ, हम लोग स्मूथ रखते हैं, डायरेक्शन हम लोग राइट रखते हैं, और यहाँ से स्पीड को थोड़ा सा 65% पे स्पीड को रखते हैं। अब हम लोग चलते हैं ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के अंदर ये क्या इफेक्ट करे। तो ड्यूरिंग में हम लोग इसको जंप पे ही रखते हैं, अदरवाइज आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जो आप है आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट का टाइप लेफ्ट टू राइट ही रखते हैं, और इसकी जो जंप है उसको हम लोग यहाँ से इंक्रीज करते हैं। तो जैसे ही मैं इसकी जंप को इंक्रीज कर रहा हूँ आप देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं, और यहाँ से जो इसका लूप टाइम है उसको थोड़ा सा अराउंड 1.20 सेकंड पे रखते हैं। अब हम लोग यहाँ से जाते हैं आउट में। अब आउट में आप लोग देख रहे हैं कि इसका स्टाइल था ड्रॉप का, अब ड्रॉप की जगह हम लोग इसको रखते हैं श्रिंक, और श्रिंक में हम लोग इसको ईज आउट बैक, और स्पीड को थोड़ा सा कम करते हैं, अराउंड 80% पे लाके स्पीड को रखते हैं। अब गाइस हमने ये कस्टम कर दिया है हमारे हिसाब से, अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये अब कैसा लगता है। पहले अलग था अब अलग होगा। ड्यूरिंग हमने जंप की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी कि जंप ज़्यादा ले तो ये उस हिसाब से जंप ले रहा है, अब आउट में ये अलग तरीके से आउट होगा। अब गाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को पहले जैसा ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। अगेन आप जंप एंड फॉल के अंदर जाके आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और दोबारा लगाएंगे। आप सिंपली यहाँ से जो आप रीसेट वैल्यू वाला आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये जो पहले था ये उस पर रीसेट हो जाएगा, स्पीड जो पहले थी ये उस पर रीसेट हो जाएगी। आप इस तरह से रीसेट कर सकते हैं। अब गाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप इस इफेक्ट को डिलीट ही करना, तो आप डिलीट करने के लिए आप प्रॉपर्टी में जाकर आप डायरेक्टली इस इफेक्ट को यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से एक्सेस करके
जो ट्राइंगल है उसको एक्सेस करके, और आप यहाँ से सेलेक्ट करें इफेक्ट को और आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से आप लोग बिहेवियर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने इमेज फाइल के अंदर, अपनी वीडियो फाइल के अंदर एंड अपने टेक्स्ट के अंदर। इसका जो आपको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा आपके टेक्स्ट में। तो मेरी तरफ से यही है कि आप लोग अगर बिहेवियर्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आप लोग टेक्स्ट के अंदर करें। तो गाइस देखा आप लोगों ने कि हम लोग कैसे बिहेवियर्स का यूज़ कर सकते हैं कैमटेशिया सॉफ्टवेयर में। तो गाइस अगर आप लोग ये बिहेवियर यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको इजीली यूज़ कर पाएंगे, उतने ही आप इसको आसानी से इसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ डू कमेंट ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। गाइज़ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, जय हिंद।